हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एम जे पैशन फॉर फूड। आई एम योर फ्रेंड जसप्रीत और आज मैं आपके लिए बहुत ही डिलीशियस क्रिस्पी टी टाइम स्नैक की रेसिपी लेकर आई हूँ और वो है क्रिस्पी पालक मटर पनीर रोल। इसे बनाना बहुत ही आसान है, बहुत डिलीशियस बनते हैं खाने में, ये बहुत टेस्टी हैं और हेल्दी भी हैं बिकॉज इसमें जो हम स्टफिंग यूज़ कर रहे हैं, हम आलू की स्टफिंग यूज़ नहीं कर रहे हैं बिकॉज कई लोगों को आलू खाने मना होते हैं बिकॉज ऑफ डायबिटीज़ और एनी अदर प्रॉब्लम। तो ये वाला स्टफिंग अगर आप बीच में फिल करके बनाएंगे तो वो लोग भी इसका मज़ा ले सकते हैं। दोस्तों, रेसिपी शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे ज़रूर लाइक करना, शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा, और जिन लोगों ने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बने हुए बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें जिससे कि मेरे हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो आइए देखते हैं इस क्रिस्पी स्नैक को बनाने के लिए हमें किन किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है और इसकी रेसिपी क्या है। 5 to 6 ब्रेड स्लाइसेस, जिसके मैंने कॉर्नर्स ट्रिम कर दिए हैं सब स्लाइसेस के। यहाँ पे मैं वाइट ब्रेड यूज़ कर रही हूँ और वो भी छोटे साइज़ वाली। आप चाहें तो मल्टीग्रेन ब्रेड या फिर होल ब्राउन ब्रेड यूज़ कर सकते हैं, और बड़े स्लाइसेस वाली करिए चाहे छोटे स्लाइसेस वाली, अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। स्टफिंग के लिए मैंने लिया है ब्लांच्ड स्पिनच 1/2 कप, क्रम्बल्ड पनीर कॉटेज चीज़ 1/2 कप, 1/2 कप ग्रीन पीज, 1 अनियन जिसे मैंने चॉप कर लिया है, चॉप्ड कोरिएंडर लीव्स, क्यूमिन सीड्स, जिंजर जूलियंस, ड्राई मैंगो पाउडर, गरम मसाला, रेड चिली पाउडर एंड सॉल्ट टू टेस्ट, और साथ में तलने के लिए तेल। सबसे पहले हम स्टफिंग तैयार करने के लिए एक नॉन स्टिक पैन में 3 चम्मच ऑयल गरम कर लेंगे, और ऑयल गरम हो गया है इसमें हम डाल देंगे क्यूमिन सीड्स। अब इसमें हम ऐड करेंगे जिंजर जूलियंस, इसको अच्छे से हिला लेंगे एक बारी। नाउ वी ऐड चॉप्ड अनियंस। जब अनियन ब्राउन होना स्टार्ट हो जाएगा इस टाइम पर हम इसमें ऐड कर देंगे ग्रीन पीस, और इनको भी अच्छे से हिला के हम रोस्ट कर लेंगे। जब मटर टेंडर हो जाएंगे इस टाइम पर हम इसमें ऐड कर देंगे ब्लांच स्पिनच, और इसको अच्छे से हम मिक्स करके पका लेंगे 1 से 2 मिनट। नाउ वी ऐड ड्राई स्पाइसेस। सबसे पहले हम ऐड करेंगे इसमें ड्राई मैंगो पाउडर, गरम मसाला, रेड चिली पाउडर एंड सॉल्ट टू टेस्ट, तो अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे क्रम्बल्ड कॉटेज चीज़ पनीर, अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। इसको 1 से 2 मिनट हम पका लेंगे अच्छे से। इसमें मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, जब बिल्कुल ड्राई हो जाए इस टाइम लास्टली इसमें हम ऐड कर देंगे चॉप्ड कोरिएंडर लीव्स, और एक बार इसको अच्छे से मिक्स करके गैस फ्लेम को बंद कर देंगे और स्टफिंग हमारी हो जाएगी बिल्कुल रेडी। बढ़िया सी स्टफिंग बिल्कुल तैयार है। देखिए, इस स्टफिंग को आप एज अ साइड डिश भी यूज़ कर सकते हो, या फिर इसके आप पराठे में या सैंडविच में स्टफ़ करके इसके पराठे सैंडविच बना सकते हैं। बहुत ही डिलीशियस और हेल्दी पराठे और सैंडविच बनेंगे। सबसे पहले एक ब्रेड स्लाइस को हम इस तरह से पानी में डिप करके स्क्वीज़ कर लेंगे, अच्छे से निचोड़ लेना है इसको, और अब हम इसमें स्टफिंग फिल करेंगे। और इसको अच्छे से, ये देखिए, इस तरह से करके बिल्कुल एक इसका रोल बना लेंगे हम, बिल्कुल बढ़िया सा इस तरह से प्रेस करके। देखिए कितना बढ़िया बन गया है ये। देखिए, इसी तरह से हम अपने बाकी के सारे रोल्स भी बना लेंगे। देखिए, सारे ब्रेड रोल्स हमने बना लिए हैं। यहाँ पे मैंने ओवल शेप में बनाए हैं, आप चाहें तो इसे बिल्कुल राउंड शेप में भी बना सकते हैं। तेल मैंने गरम होने के लिए रख दिया है, तो आइए अब हम इसे करते हैं डीप फ्राई। तेल गरम हो गया है, अब हम अपने ब्रेड रोल्स को इसमें डाल देंगे डीप फ्राई करने के लिए। इनको हम फ्राई कर लेंगे जब तक कि ये बिल्कुल नाइस गोल्डन ब्राउन कलर के हो जाएं बाहर से। देखिए, इस तरह से इनको घुमा घुमा कर हम
चारों तरफ से एक जैसा गोल्डन कर लेंगे। बढ़िया से क्रिस्प रोल तैयार हैं, इनको अब हम रिमूव कर लेंगे और एक एब्सॉर्बेंट पेपर पे निकाल लेंगे। क्रिस्पी पालक मटर पनीर रोल बनकर बिल्कुल तैयार है। देखिए कितना बढ़िया लग रहा है ये अंदर से। इसे मैंने टमाटो केचप के साथ सर्व किया है। आप चाहें तो इसे किसी भी अपनी पसंद की चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं, खाने में बहुत डिलीशियस होते हैं ये। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना। मैं आपके पास लौटूंगी एक नई वीडियो और एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन बाय बाय।